एक बुलेट प्रूफ गाड़ी को बनाते वक्त ये समझिए कि गाड़ी के पूरे ढांचे को बदला जाता है। किस तरीके से, ये बिल्कुल ठीक नई गाड़ी है। आप इसको देखकर ये भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये गाड़ी आखिरकार है कौन सी। इसके बोनट, बम्पर, हर चीज को कहीं ना कहीं खोला गया है और गाड़ी के फ्लोरिंग से लेकर विंडो, इंजन, यानी कि एक नया कवर दिया जाता है। और हम आपको ये गाड़ी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी को पूरी तरीके से खोल लिया गया है। और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस तरफ जाकर वो आपको दिखाए कि किस तरीके से बुलेट प्रूफिंग होती है गाड़ी की, यानी कि गाड़ी में किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं होती। अब ये गाड़ी है, इसको देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये गाड़ी आखिरकार है क्या। बिल्कुल ब्रांड न्यू ये गाड़ी है। और इसकी जो फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग से लेकर छत, शीशे, हर चीज में इस तरीके से एहतियात बरता जाता है कि किसी भी तरीके से, यानी कि पानी की बूंद से लेकर एक धुएं का कण भी किसी तरीके से अंदर ना जा सके, गोली और बम का किसी तरह का असर ना हो सके। यानी कि इस फ्लोरिंग से लेकर छत और चारों तरफ लोहे की बड़ी परत बिछाई जाती है। इसके अलावा जो शीशे होते हैं उनको परमानेंटली फिक्स किया जाता है, यानी कि सुरक्षा की पूरी गारंटी, किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं। अगर कोई बम धमाका होता है, माइनिंग नीचे से बिछाई जाती है, या फिर ग्रेनेड से अटैक किया जाता है, और यानी AK-47 से लेकर SLR जो हथियार होते हैं उनकी मारक क्षमता को भी ये बुलेट प्रूफ व्हीकल कहीं ना कहीं बेअसर कर देते हैं। अब जो ये चुनाव है, इस चुनाव में मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस चुनाव में कितना जो है प्रेशर रहा आपके पास, ज्यादा डिमांड आई? जी, प्रेशर तो था, डिमांड भी जरूर थी। और पिछले साल से हमारे पास कोई गाड़ियां आ गई थी, तो अभी तो जैसे आप देख चुके हैं कि कुछ ही रह गई हैं, बाकी तो हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं अपने क्लाइंट्स को। तो अब आप हमें ये बताइए कि जिस तरीके से ये गाड़ी बन रही है, इस गाड़ी में क्या क्या काम आप लोग करते हैं और इस पर कितना खर्चा आता है? जैसे फॉर एग्जांपल, इस गाड़ी में सिर्फ शीशे बुलेट प्रूफ हो रहे हैं, तो जो इन क्लाइंट की डिमांड है कि मुझे सिर्फ में शीशे बुलेट प्रूफ चाहिए, तो तकरीबन शीशे बुलेट प्रूफ के लिए आप लगाइए कि हमारा तकरीबन 6 लाख रुपए का बजट है, तो उसके अंदर ये हो जाती है। कई लोग रूफ कराते हैं, कई लोग बेसिक प्रोटेक्शन कराते हैं, कई लोग फ्लोर कराते हैं, कई लोग टायर्स कराते हैं, तो बेसिकली ये कस्टमाइज बिजनेस है, जिसको जो चाहिए उसके हिसाब से वो गाड़ी तैयार की जाएगी। मतलब हम अगर बात करें कि एक गाड़ी को पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ हमें करवाना है, तो उस पर लगभग कितना खर्चा आ जाता है और क्या क्या आप उसमें चेंज करते हैं? अगर कंप्लीट गाड़ी करनी हो तो आप लगाइए कि 30 से 40 लाख रुपए का खर्चा है, और जिसमें कंप्लीट आप लगाइए कि रूफ, ब्लास्ट प्रोटेक्शन, ऑल अराउंड 360 डिग्री प्रोटेक्शन, फिर आपके फ्यूल प्रोटेक्शन, आपकी बैटरी प्रोटेक्शन, और कई ऐसे सेंसर्स और कई ऐसी सिक्योरिटी डिवाइसेस लगती हैं, जिसकी वजह से इसकी प्राइस ऑप्शंस है, आप और चूज करेंगे तो और महंगी हो जाएगी। अब जैसे कि ये गाड़ी मेरे साथ यहाँ पर खड़ी हुई है, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि एक गाड़ी जब बुलेट प्रूफिंग उसकी होती है तो उस गाड़ी का पूरा कम्प्लीटली स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बदल दिया जाता है। और जैसा कि सोबती साहब बता रहे थे, इसकी फ्लोरिंग से लेकर और जो वायरिंग है, हर चीज को बुलेट प्रूफिंग के हिसाब से चेंज किया जाता है। फिलहाल ये गाड़ी मेरे ख्याल से जो है ऑलमोस्ट तैयार है, ऑलमोस्ट अब रेडी हो रही है। पीछे से हम दिखा जी, क्या क्या परिवर्तन किए हैं और इसकी बुलेट प्रूफिंग के लिए क्या क्या यहाँ पर काम किया गया है। आप ठीक देख सकते हैं कि इसके शीशे भी बदले जा चुके हैं और इस गाड़ी की फ्लोरिंग भी। आप थोड़ा सा यहाँ से हटिए, अगर फ्लोरिंग की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर, यानी कि गाड़ी के जो ओरिजिनल फ्लोर है उसको काटकर एक मोटी स्टील की और कांच की परत यहाँ पर बनाई गई है। सोबती साहब, ये कंप्लीट जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी है जी, ये एक इसमें काफी एंटी ब्लास्ट शीट्स वगैरह, ये J&K सेक्टर के लिए गाड़ी जा रही है, तो उसमें डेफिनेटली वहाँ पे थ्रेट परसेप्शन ज्यादा है, तो क्लाइंट ने काफी ऑप्शन चूज करके इसमें मैक्सिमम इसको बुलेट प्रूफ कराया गया है। बट इसमें भी जैसे कुछ चीजें नहीं है जो कि मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बिकॉज ये चीजें डिस्क्लोज बाहर मार्केट में नहीं की जाती कि किस क्लाइंट ने क्या कराया है क्या नहीं कराया है, तो हमारे हिसाब से तो सारी गाड़ी बुलेट प्रूफ है।